अगली खबर में बात करते हैं विंध्य के बघेली कलाकार अविनाश तिवारी को लेकर। गत दिवस विंध्य के बघेली कलाकार अविनाश तिवारी के द्वारा बुधिया फिल्म का निर्माण किया गया, जो बघेली में है। बताते हैं कि उक्त फिल्म में जो विलन का किरदार है वह ठाकुर है, जिसके चलते क्षत्रिय समाज उक्त फिल्म निर्माताओं का विरोध कर रहा है और फिल्म का बहिष्कार करने की अपील सोशल मीडिया में कर रहा है। साथ ही विंध्य के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी रिलीज के बाद रोक लगाने की मांग की जा रही है। क्षत्रिय समाज के कुछ लोगों का कहना है कि बघेलखंड की भाषा बघेली पर बनाई गई बुधिया फिल्म में भी ठाकुरों को बलात्कारी दिखाया गया है, जिससे उनकी भावना आहत हुई है। आपको बता दें कि लगातार फिल्म निर्माताओं के द्वारा जाति धर्म समुदाय को मोहरा बनाकर फिल्में बनाई जाती हैं, जिन्हें प्रचार प्रसार का स्टंट माना जाता है। अक्सर हिंदू देवी देवताओं और समुदाय के नाम पर फिल्म बनाने वालों का विरोध किया जाता है, लेकिन उल्टा यह विरोध इन्हें प्रमोट की तरफ ले जाता है। विराट 24 ऐसे किसी भी काल्पनिक कहानी फिल्म का विरोध करता है जो किसी जाति समाज और देश में भाईचारे को बिगाड़ती है। हालांकि फिल्म निर्माता और कलाकारों का उक्त नाम रखने के पीछे क्या उद्देश्य था यह तो वही जाने, लेकिन सोशल मीडिया में क्षत्रिय समाज के लोग विरोध करते हुए रीवा के एक बड़े नेता पर उक्त फिल्म का फाइनेंस करने और क्षत्रियों के अपमान का आरोप लगा रहे हैं। उक्त फिल्म का विरोध करने पहुंचे समाज के लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। किस चीज को लेकर आज विरोध किया जा रहा है? आज हमारा रॉयल राजपूत संगठन ये अविनाश तिवारी जी के द्वारा एक फिल्म बनाई गई है बुधिया, जिसमें इनने एक सीन दिखाया है 6 साल की बच्ची का रेप होते। नो डाउट फिल्म अच्छी है, कलाकार अच्छे हैं, बघेली भाषा में है, हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जो बलात्कार किया उसको इन्होंने ठाकुर दिखाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये काम सिर्फ ठाकुर करते हैं, या आज से 50 साल पहले जितने डायरेक्टर ठाकुरों को नीचा दिखाने का काम कर रहे थे वही आप करना चाहते हैं? और अगर ठाकुर ही बलात्कारी थे तो अभी जो सीताराम जैसे महापुरुष ने किया वो क्या था, मुझे इसका जवाब दें। और अगर इस फिल्म से ठाकुर शब्द नहीं हटाया गया तो ये फिल्म पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कहीं नहीं चलने दी जाएगी। मेरा पूरा रॉयल राजपूत संगठन हर जगह इसका विरोध करेगा। बिल्कुल ठाकुरों को ये बिल्कुल मैंने बहुत ही घटिया कैटेगरी से दिखाया है। आपका विरोध प्रदर्शन किस तरीके से? हमारा विरोध प्रदर्शन है कि हम टाकीजों में किसी भी टाकीज में इनकी फिल्म तब तक नहीं चलने देंगे जब तक ये ठाकुर शब्द नहीं हटा दे। बाकी वो अपनी फिल्म बनाए हैं, बहुत अच्छी है, चलाए, हम लोग खुद प्रमोट करे हैं उसको और हमारे समाज के लोग सबसे ज्यादा प्रमोट करे हैं इनकी फिल्म को। लेकिन मुझे भी पता है कि प्रमोट में पूरी पिक्चर नहीं दिखाई जाती, सिर्फ ट्रेलर दिखा के प्रमोट कराया जाता। शायद देख लिए होते तो कोई भी मेरे समाज का व्यक्ति इनका फिल्म का प्रमोशन नहीं करता। फिल्म में भी कई बार विवादित बयान दिए आप? बिल्कुल दिए हैं और काफी विवादित रहते हैं। हम लोग कोई बंबई से नहीं, सब लोकल हैं, इनके पूरे परिवार को जानते हैं, इनको भी बहुत अच्छे जानते हैं, लेकिन कभी भी हम लोगों ने इनका विरोध नहीं किया। लेकिन आज एक फिल्म बना के और हम लोगों को या हमारे ठाकुर समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। और ठाकुर समाज नहीं, किसी भी समाज को अगर वो यहाँ पे गलत दिखाते तो हम लोग उसका विरोध। मेरा नाम ब्रजेश सिंह टिंकू है, मैं रॉयल राजपूत का राष्ट्रीय महामंत्री। जय माँ भारती, जय श्री राम, जय माँ भवानी। हम सब क्षत्रिय सरदार यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। रिसेंट में अभी जो बुधिया फिल्म जो है तो रिलीज हुई है, उसके उसका विरोध हम करते हैं। उसमें क्षत्रिय का को एक बलात्कारी के रूप में दिखाया गया है, जो कि क्षत्रिय समाज का एक आईना है,
हर व्यक्ति क्षत्रिय को कॉपी करता है, उसका रहन सहन, उसका बोल चाल, उसकी बोली भाषा, उसका मान सम्मान, हर चीज़ लोग कॉपी करना चाहते हैं। और आज के समाज में आप देखें, चाहे साफा से लेके अचकन या कि जो भी पहनावा है, हमारा रहन सहन, हमारी बोली भाषा, हर व्यक्ति जो है क्षत्रिय को कॉपी करना चाहता है, कोई भी वर्ग, कोई भी समाज। अगर मुख्य रूप से ये कहें कि क्षत्रिय समाज का आईना है, तो ये कहीं से कहीं तक, मतलब 100% ये सत्य होगा कि क्षत्रिय समाज का आईना है। अगर समाज के आईने को इस प्रकार से गलत दिखाया जाएगा, उसको बलात्कारी दिखाया जाएगा, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारा जो समाज है, इसके पहले आप चले जाएं 40 से 50 साल पूर्व अगर चले जाएं, तो जो भी एक्टर डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने भी समाज को एक गलत मैसेज दिया है, जिसकी वजह से समाज में हमारे प्रति और उच्च वर्ग के प्रति एक भ्रांतियां हैं कि इन्होंने हमारे साथ गलत किया, अन्याय किया। एक ऐसा देश जहां हम हजारों वर्ष गुलाम रहे, किसने किसके ऊपर अन्याय किया ये सबको पता है। अगर कोई भी वर्ग, कोई भी समाज, किसी भी वर्ग, किसी भी समाज का अगर विरोध करेगा, हम सब यहाँ पे एक हैं, तो उसका सदैव हम सब खुल के विरोध करेंगे। और इस मूवी का विशेषता, उसमें जो दिखाया गया है, चरित्र वर्णन किया गया है, उसका हम विरोध करते हैं। अगर हम बात करें राल राजपूत संगठन की, या क्षत्रिय समाज में जिस प्रकार से इस फिल्म को प्रमोट किया गया है, सबसे ज़्यादा प्रमोशन आप फेसबुक आईडीज में देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा प्रमोशन अगर इस मूवी का किसी ने किया है, तो क्षत्रिय समाज ने किया है, राल राजपूत संगठन ने किया है। उसके पीछे का कारण ये था कि वो हमारे बघेलखंड से है, और ये हमारे लिए गर्व की बात थी। लेकिन उसमें जो चरित्र चित्रण किया गया है, उसका हम विरोध करते हैं। और सबसे ये आग्रह करते हैं, कोई भी एक्टर डायरेक्टर कोई भी हो, इस प्रकार से आगे इस प्रकार की मूवी ना बनाए। फिल्म के कलाकार कौन है? फिल्म के कलाकार मुख्य रूप से अविनाश तिवारी जी हैं। अविनाश तिवारी जी लगातार उनका और विवादों का संगत शुरू से रहा आया है, और उनसे बस ये आग्रह है, अभी विनम्र कर रहे हैं, फिर उग्र भी हो सकता है कि जैसा वो करेंगे वैसे उनकी भरपाई करनी पड़ेगी। अभी हम लोग क्या चाहते हैं फिल्म में, क्या अभी हम पूरे प्रदेश में इसका विरोध करते हैं, और कहीं भी किसी भी थिएटर में अगर ये मूवी लगाई जाएगी, हम विरोध करेंगे। अभी सामान्य रूप से करेंगे, अगर उग्र होने की जरूरत पड़ेगी तो उग्र विरोध भी करेंगे। क्या नाम है? ललित सिंह परिहार, जिला प्रवक्ता, रायल राजपूत संगठन। अविनाश तिवारी मुर्दाबाद, 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 अविनाश तिवारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।